काफी सारे बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग किस रेफरेंस बुक से पढ़े, क्वांटम को हम लोग कहाँ से पढ़े, और आप लोग तैयारी करते हो सीएसआईआर नेट एग्जाम की और गेट एग्जाम की। तो अगर मैं बात करूँ सीएसआईआर नेट या फिर गेट एग्जाम की, तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और आपके पास एज सच कोई एक सिंगल रेफरेंस बुक नहीं है जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाए। यानी कि आपको एक टॉपिक के लिए इस बुक को चाहिएगी, आपको दूसरे टॉपिक के लिए आपको दूसरी बुक चाहिएगी, थर्ड टॉपिक के लिए आपको तीसरी बुक चाहिएगी। तो इतनी सारी बुक्स को पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ 6 महीने ही होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप जिस भी कोचिंग के अंदर हैं तो आपको वहाँ पर उस कोचिंग के अंदर मिलता है स्टडी मटेरियल, आप उसके ऊपर ही फोकस कीजिए। जो आपके पास टीचर के नोट्स हैं आप उसके ऊपर ही फोकस कीजिए। अगर आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आपके पास आरजे अकेडमी के ऊपर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आपको यहाँ पर कंप्लीटली फ्री में आपको बिल्कुल कोचिंग की तरह ही मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इन लेक्चर्स को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हो। ये लेक्चर्स भी मैंने रेफरेंस बुक्स के ऊपर से ही बनाए हैं। तो एक बार आप इन एग्जाम को क्रैक कर लोगे, क्रैक करने के बाद आप पीएचडी कर रहे होगे तो आपके पास बहुत टाइम होगा रेफरेंस बुक को पढ़कर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने का। लेकिन अभी के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर नोट्स को ही आप रेफर कीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स ले सकते हो या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स को परचेज कर सकते हो। ऐसी वीडियो देने के लिए आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिए।